ओके पीपल, सो विल स्टार्ट विथ नेशनल इनकम. ये आपका एक चैप्टर है बेसिकली. देखिए आपका नेशनल इनकम दोनों बोर्ड्स में ही चैप्टर है. नेशनल इनकम बेसिकली होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज नेशनल इनकम, और इस नेशनल इनकम के चलते हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स. तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स एक होती है और आपकी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. सो दीज आर टू ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स. मैक्रो मतलब होता है बहुत लार्ज और माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है. मैक्रो एंड माइक्रो आर बेसिकली टू ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स दैट वी हैव. ओके, सो वी विल try and understand what is macro and micro economics. So branches of economics में देखिए क्या क्या हो जाएंगे. आपका एक है micro economics and the other one is macro economics. एक छोटा सा example आपको देता हूँ. जैसे macro economics में भाई साहब क्या होगा, for example, जैसे आपके घर का budget, ठीक है, आपके घर का budget, ठीक है, और भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे आपके जैसे किसी घर का राशन पानी जो है, ठीक है, उसके घर के एडुकेशन का एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है, एडुकेशन एक्सपेंसेस क्या है, लेट्स से रेंट एक्सपेंसेस क्या है, या ईएमआई एक्सपेंसेस क्या है, या जो भी आपके फूड के एक्सपेंसेस क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के एक्सपेंसेस क्या हैं, एंड तमाम चीज़ें, ठीक है. किसी एक इंडिविजुअल लेवल में जब हम इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. और जब हम किसी एक पर्टिकुलर, जैसे समझ लो कामोडे रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक रीजन के बारे में, ठीक है, एक मतलब औसताना यहाँ पे लोगों की इनकम क्या है, ठीक है, इस शहर का लोगों की इनकम क्या है, एवरेज इनकम क्या है. अगर मैं बोलूँ समझ लो एवरेज इनकम 1 लाख है, अभी हो सकता हो कोई भाई साहब 5 लाख भी कमा रहा हो सकता है कोई 1 करोड़ भी कमा रहा हो, ठीक है, और हो सकता है कोई 10,000 भी कमा रहा हो, लेकिन एवरेज इनकम आपकी 1 लाख आ रही है, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. व्हेन इट इज पर्टेनिंग टू अ रीजन, व्हेन इट इज पर्टेनिंग टू मे बी अ स्टेट, एंड व्हेन इट इज पर्टेनिंग टू मे बी अ कंट्री, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है. तो माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अदर वन इज बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बहुत स्मॉल दायरे में हम इकोनॉमिक्स को डील करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स को. और जब हम बहुत बड़े दायरे में चीज़ों को कंसिडर करते हैं, एक रीजन का, एक स्टेट का, एक कंट्री का, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर है? ओके, सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग ऑफ गुड्स. और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आ जाएगा बताइए, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. तो ये सारी चीजें आ जाएगी. देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल पे, ठीक है. थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है. अगर समझ लीजिए कोई चीज आप डेली यूज करते हैं और उसका प्राइस अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका कंजम्पशन, लोग कम कर ही देंगे उसको, लोग ऑप्शंस ट्राई करेंगे, है ना, लोग ऑप्शंस ट्राई करेंगे. तो दिस इज बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, ये कंज्यूमर बिहेवियर है. कितनी क्वालिटी मिल रही है कितने दाम पे, ये सिंपल मोटे मोटे तौर से हम इसको बोल सकते हैं भाई साहब कंज्यूमर बिहेवियर है. थियरी ऑफ प्रोडक्शन, जिस तरीके का भाई साहब आपका कंज्यूमर बिहेवियर होगा, जो प्रोड्यूसर्स होंगे उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, है ना. समझ लो किसी एकदम गांव खेड़े में आपने कोई कंप्यूटर का यूनिट डाल दिया, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल दी, क्या वो चलने वाला है, नहीं, लोगों की वो रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन वहीं पे आप फार्मिंग टूल्स का कोई शॉप डाल देंगे, जैसे समझ लो जो भी आपके फार्मिंग में चीजें यूज होती हैं, क्या वो चलने वाला है, चलने वाला है, है ना. तो ये आपका प्रोडक्शन आपको भाई साहब कंज्यूमर के हिसाब से करना है. कुछ भी उल्ट सुल्ट आपके दिमाग में होगा और आप उसका प्रोडक्शन करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो चीज बिके, ठीक है. सो ये हो गया आपका थ्री ऑफ प्रोडक्शन. प्राइसिंग ऑफ गुड्स, आपकी गुड्स की प्राइसिंग क्या है, ठीक है, किस कंज्यूमर को बेच रहे हैं आप, ठीक है, आपका भाई साहब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसके हिसाब से आप गुड्स की प्राइसिंग करेंगे, है ना, ताकि बिके भी और आप लॉस में भी ना जाएं, प्रॉफिट भी कमाएं, ठीक है. सो ये सब आ जाते हैं आपके तमाम माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ऑल ऑफ दिस कम्स इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज दिस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट कर रहा है आपने जो प्रोडक्ट्स किया है, लॉन्च किया है उसके ऊपर, ठीक है. ओके, अभी आते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पे. थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हम बड़ी बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं अभी. अभी हम किसी एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं, एक पूरे रीजन की बात कर रहे हैं. हो सकता है उस रीजन में कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो, कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट हो, कुछ लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो, कुछ लोगों का बिजनेस खराब चल रहा हो, तमाम चीजें हैं, ठीक है. सो ये सारी चीजें आ जाती हैं किसमें, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है. एक पर्टिकुलर कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है,
कितने लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, कितने का बिजनेस है, कितने का सालाना इनकम है, ये सारी चीज़ें। थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, तो आपका जनरल प्राइस लेवल कितना है और इन्फ्लेशन कितना है। इन्फ्लेशन मतलब समझते हैं, मतलब प्राइस ऑफ गुड्स का बढ़ना, ठीक है। अभी देखो, हर समय हम ये नहीं बोल सकते कि अगर गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो कंट्री के लिए ख़राब है, क्योंकि हो सकता है सैलरी भी बढ़ रही हो, इनकम भी बढ़ रहा है, तो प्राइस ऑफ गुड्स भी बढ़ेंगे, है ना। सो ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ आती है। हम जब बड़े बड़े चीज़ों की बातें करते हैं, विचार एट अ मैक्रो लेवल, मैक्रो लेवल पे चीज़ों की बातें जब हम कर रहे हैं तो आपके किस में आ जाएंगे, ये दे विल ऑल कम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली बहुत सारे, और ये आपका देखो छोटे पैमाने पे अगर हम चीज़ों को कंसिडर करते हैं, इफ़ वी आर कंसिडरिंग थिंग्स एट अ वेरी स्मॉल लेवल, ठीक है, देन इट इज़ कमिंग अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसी घर का बजट हो गया, या ज़्यादा से ज़्यादा एक बिल्डिंग का क्या कैसे किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके की आमदनी वाले लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया। जैसे ही हम किसी रीजन में, स्टेट में या कंट्री में जाते हैं, देन इट विल बेसिकली कम इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज फार फार वाइडर देन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आर वी क्लियर, ठीक है। सो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? देखिए, फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करेगा? इंडिविजुअल पार्ट्स, छोटे छोटे यूनिट्स पे। कैसे? जैसे समझो कोई दुकानदार है, उस पे भी, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। उसका मतलब एवरेज सेल्स कितना है, किन प्रोडक्ट्स को वो रखता है, क्या बेचता है, क्या खरीदता है, ठीक है, ये सारे इंडिविजुअल पार्ट्स, मतलब बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स को लेकर हम बनाते हैं भाई साहब माइक्रो इकोनॉमिक्स। आर वी क्लियर, ठीक है, दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। हाउ हाउस होल्ड एंड फर्म्स मेक डिसीशंस एंड हाउ दे इंटरैक्ट इन स्पेसिफिक मार्केट्स। तो जितने भी आपके हाउस होल्ड्स हैं और फर्म्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके हाउस होल्ड्स हैं मतलब आपके घराने हैं, और जितने भी फर्म्स हैं, फर्म्स मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दीज आर बेसिकली व्हाट, कंज्यूमर्स, है ना, ये कंज्यूम कर रहे हैं, चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, दीज आर कंज्यूमर्स एंड फर्म्स आर व्हाट, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फर्म्स आर व्हाट, प्रोड्यूसर्स। हाउ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स मेक डिसीजंस, किस चीज पे डिसीजन लेते हैं? ऑब्वियसली प्राइसिंग ऑफ गुड्स पे, क्वालिटी ऑफ गुड्स पे, डिलीवरी ऑफ गुड्स पे, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे। एंड हाउ दे इंटरैक्ट इन स्पेसिफिक मार्केट्स, इनके बीच में जो इंटरैक्शन कैसा हो रहा है, ठीक है, मार्केट में कैसा इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है, इन स्पेसिफिक मार्केट्स। तो ये सारी चीज़ें तमाम आ जाती हैं, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक है, दिस वॉज बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इमर्ज्ड आफ्टर द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स पब्लिश्ड हिज सेलिब्रेटेड बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी देखो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब एक पूरे रीजन में कितने लोगों के पास काम है, काम है मतलब जिस काम के बदले में आपको पैसा मिले। इकोनॉमिक्स आपके सोशल सर्विस को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है, आप बहुत काम कर रहे होंगे, ठीक है, सोशल सर्विस, आप कुछ लोग होंगे बहुत सोशल सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स बहुत बहुत कट टू कट है, इकोनॉमिक्स मतलब आप अगर काम करें तो पैसा मिल रहा है क्या, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है लोगों का, ठीक है, सो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जब आप बैंक में पैसा डालते हैं तो आपको इनके इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, ये इंटरेस्ट कहाँ से आता है भाई साहब, बैंक दूसरों को पैसा देता है वहाँ से देता है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट कौन डिटरमिन करता है, ये पूरी इकोनॉमी में डिटरमिन होती है, ठीक है, गवर्नमेंट में भी इसका इंटरफेरेंस है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऐसे ही नहीं, मतलब कोई बैंक बोलेगा मैं 15% इंटरेस्ट लूंगा, कोई बोल रहा है 7%, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। एवरी बैंक वुड हैव अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक, फॉर इन आर केस इट इज द RBI, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। एंड मनी, मनी का भाई साहब कैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, सो दिस वाज द डेफिनेशन गिवन इन वे बैक इन 1936, जब पहली बार माइक्रो इकोनॉमिक्स से सेपरेट करके हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बताया, ठीक है। तो छोटे छोटे चीजों में बिजनेस हो रहा है, छोटे छोटे चीजों का घर चल रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर क्या चल रहा है, वो होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो ग्रेट डिप्रेशन, आपको अगर, व्हाट इज डिप्रेशन, इमोशनल वाला डिप्रेशन नहीं, ठीक है, इमोशनल डिप्रेशन नहीं, मैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन की, ठीक है। देखो क्या होता है कि अगर कोई यू नो अगर प्रॉपर तरीके से बताएं, 1929 में
अब उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था और दूसरा वर्ल्ड वॉर चालू होने वाला था, ठीक है। इफ़ यू लुक 1914 से 1918 तक पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 1919 तक, फिर आपका भाई साहब दूसरा वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, ठीक है, 1939 से 1945 तक। इन दोनों के बीच बहुत सारे वर्ल्ड के इकोनॉमीज क्रैश हो गए, धंधा पानी नहीं था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, ठीक है, लोग लाइन लगाकर मजदूर जैसे खड़े रहते थे, ठीक है, ब्रेड के लिए, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए, बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हुई, ठीक है। सो ग्रेट डिप्रेशन मतलब क्या होता है, देखो एक होता है आपका रिसेशन, किसी ने सुना है, व्हाट इज रिसेशन, व्हाट इज रिसेशन, जब आपका जीडीपी जो होता है, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, किसी कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, एक कंट्री में जो टोटल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, मनी वैल्यू, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। अगर ये जीडीपी भाई साहब आपका 3 महीना से डाउन जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, और ऐसा 2 बार हो गया, एक क्वार्टर, अगर 3 महीने से 1 क्वार्टर में जा रहा है, ठीक है, सो वी बेसिकली हैव, अगर 3 महीने से ये नीचे है, नेगेटिव है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रिसेशन, और अगर ये और 3 महीने मतलब 6 महीने चला गया तो इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड बेसिकली डिप्रेशन, ठीक है। तो प्रॉपर आंकड़े अगर हम लगाएं कि अगर कोई इकोनॉमी डूब रही है, लोगों के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, अगर कोई इकोनॉमी बहुत देर से डूब रही है तो उसको हम बोलेंगे डिप्रेशन। और ये हुआ 1929 में, सिर्फ एक कंट्री में नहीं, बहुत सारे तमाम यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका, ठीक है, सारे तमाम कंट्रीज में ये डिप्रेशन सा माहौल आ गया। एंड द सब्सिक्वेंट ईयर्स सॉ द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका फॉल बाय ह्यूज अमाउंट्स। तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, आउटपुट कम हो गया, लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, पैसा नहीं था, खाने को नहीं था, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो गई, बहुत सारे तमाम रीजंस थे, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि देखो हम बोलेंगे भाई साहब तुम्हारे पास पैसा है क्या, तुमको खाने को मिल रहा है क्या, बस मामला ख़त्म, आज मिल रहा है, लेकिन समझो मैं इंडिया में बैठा हूँ, ठीक है, आई एम अर्निंग एंड आई एम एबल टू फीड माई फैमिली, समथिंग हैज़ हैपेंड इन अमेरिका और समथिंग हैज़ हैपेंड इन यूरोप बिकॉज ऑफ विच द इकोनॉमी इज क्रैशिंग, हमको दिख रहा है, ठीक है, तो क्या कल मेरे साथ भी कुछ इसका इफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल होगा, इट विल बी देयर, ठीक है, वो इकोनॉमी का जो डिप्रेशन है वो हम तक भी पहुंचेगा, आज नहीं तो कल ये रिसेशन या डिप्रेशन हमारा भी दरवाज़ा खटखटाएगा, ठीक है, हम पे भी इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि कोई भी देश अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है, आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो भाई साहब दूसरे जगहों पे प्रोड्यूस हुई है, वहां पे प्रोडक्शन ठप होगा तो आपको भी इंपैक्ट पड़ेगा ही, ठीक है। सो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड द सब्सिक्वेंट ईयर्स सॉ द आउटपुट, अभी जैसे देखो समझ लो अभी रिसेशन चल रहा है, बहुत सारे अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे तो रिसेशन चल रहा है, गूगल ने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया है जॉब से, बहुत सारे लोगों को मतलब एक दो नहीं हजारों की संख्या में, अमेजन ने भी निकाल दिया है, ठीक है, तो ये हो रहा है, कट डाउन हो रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे कंपनीज, ठीक है, सो देर इज अ रिसेशन एनवायरमेंट विच इज देयर, और ये कोविड के चलते हुआ है भाई, कोविड में 2 साल तक सब कुछ बंद था, सब धंधे चौपट हुए, तो इसका इफेक्ट तो हमको देखने को मिलेगा ही, आज नहीं तो कल, ठीक है। सो देर इज अ रिसेशन पीरियड विच इज गोइंग अक्रॉस मोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल इकोनॉमीज, तो हमको दिख रहा है अभी, ठीक है, और आज नहीं तो कल हमारे ऊपर भी इसका इंपैक्ट आने वाला है, ठीक है। हम जितना भी सेल्फ सफिशियंट हो ले, देखिए कोई भी कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशियंट नहीं हो सकती, अगर बाकी के कंट्रीज में इंपैक्ट आ रहा है तो हम पे भी आएगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। सो दिस इज, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स का वाइडर स्कोप जरूरी है, हम अपने लाइफ में अगर हमको लग रहा है कि सब कुछ स्टेबल है, इनकम हो रही है, खाना खा रहे हैं, अब बाकी सब कुछ चल रहा है, ठीक है, सो सब कुछ स्टेबल है, अरे अमेरिका में क्या हो रहा है छोड़ो ना यार, अरे यूरोप में क्या हो रहा है छोड़ो ना यार, नहीं नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कल हमारे भी हालत ऐसी ही होगी, ठीक है, वो डिप्रेशन हम तक भी पहुंचेगा, ठीक है, बिकॉज वी आर इंटरकनेक्टेड, टुडे इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इस कदर बढ़ चुका है कि दूसरे कंट्रीज का इंपैक्ट भी हमारे ऊपर आएगा, अभी उसके डर पे क्या हम बेटर हैं, नहीं, हमको देखना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ें लें, हम क्या चीज़ें करें, ठीक है, जैसे आपके नेबरिंग कंट्री श्रीलंका का इकोनॉमी क्रैश हो गया है आज से कुछ एक साल पहले, लोग मारामारी पे उतर आए हैं, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, प्रेसिडेंट भाग गए हैं, ऐसा हुआ है, ठीक है, सो जस्ट नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, ठीक है, सो इसीलिए हमको ना बहुत सतर्क रहना पड़ेगा अगर हम इकोनॉमी को ठीक से प्लान कर रहे हैं, अगर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, अगर हम इस डेंजर को देख नहीं पा रहे हैं
तो हम गलत चल रहे हैं, क्योंकि कल इसका असर हम पे भी आएगा। इसीलिए माइक्रो से मैक्रो में शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ घर चल रहा है वही पर्याप्त नहीं है, कल को घर शायद नहीं चलेगा क्योंकि मैक्रो लेवल पे चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, तो कल को वो असर हम पे भी आएगा। ठीक है, सो दैट इज द रीज़न मैक्रो इकोनॉमिक्स और इट्स स्टडी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज बॉर्न। तो ये सब जो हुआ उस टाइम पे, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929 में, और इस डिप्रेशन का फैला पूरे यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका तक हो गया। ठीक है, इंडिया में भी इसका असर देखने को मिला। ठीक है, तो इसका मतलब वी ऑल आर कनेक्टेड बाई इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसीलिए आपका 1936 में मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्रॉपरली डिफाइन किया गया, दिस इज वॉट इज हैपनिंग। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम एक बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक्स से डील कर रहे हैं और एक जगह का असर दूसरे में ट्रांसफॉर्म होने ही वाला है, इट विल। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, बड़े बड़े रीजन लेवल पे जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल एंड डील्स विद ब्रॉड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ब्रॉड इकोनॉमिक्स से डील कर रहा है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हम इकोनॉमिक्स के साथ डील करें। एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट, ये आपके जो मेन फैक्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? ठीक है, एक हो गया आपका नेशनल इनकम, दिस इज नेशनल इनकम। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, डिमांड मतलब एवरेज डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, देन वी हैव जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल और आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ये आपके चार मेजर फैक्टर्स हैं किसके? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अगर किसी कंट्री को स्टडी करना है कि उसका इकोनॉमिक्स कितना स्ट्रांग है, यहाँ पे बिजनेस कितना स्ट्रांग है, देखना पड़ेगा उसका नेशनल इनकम कितना है, उस कंट्री का टोटल इनकम कितना है, एग्रीगेट डिमांड, कितना डिमांड है चीज़ों की, कितनी डिमांड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन ठीक नहीं है, यस इट इज़ वेरी मच करेक्ट, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया में बिजनेस करने के लिए ना तड़प रहे हैं। ठीक है, एंड द वन प्राइम रीजन इज दैट इंडिया हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन और वेरिंग इनकम की पॉपुलेशन है, तो इंडिया में अगर मार्केट मिल जाता है तो वो बिकना ही बिकना है। ठीक है, तो ये होता है आपका एग्रीगेट डिमांड, कितना एवरेज डिमांड है। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल्स कैसी हैं। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल्स ऑफकोर्स सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, जनरल प्राइस लेवल्स कैसी हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर इंडिया में किसी को कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करना रहेगा, कोई लैपटॉप मैन्युफैक्चर करना रहेगा, तो वो जनरल प्राइस लेवल क्या रखेगा, है ना, एनीवेयर बिटवीन 25,000 to 50,000। अगर वही चीज़ उसको अमेरिका में बेचनी है तो लाख के ऊपर वाला प्रोडक्ट बनाएगा वो, जैसा लोगों का इनकम वैसा प्रोडक्ट डिज़ाइन होगी। ठीक है, ओके, सो दीज आर बेसिकली द मेजर फैक्टर्स, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट। तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल डील्स विद ब्रॉड इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों से भाई साहब जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, नाउ प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, जैसे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, ठीक है, सारे लोग एम्प्लॉयड हैं कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल, ठीक है, प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अभी देखो, जितनी हमारे अमीरी और गरीबी में जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा शोषण होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा हमारे राइट्स वायलेट होंगे। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको हम BOP भी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब देखो आपके एक्सपोर्ट्स, ठीक है, और आपके भाई साहब इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स इज आपने कुछ बनाया और वो बाहर देशों में जा रहा है, इंपोर्ट मतलब बाहर वाले देशों ने बनाया और आपके पास आ रहा है, कौन सा ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट से तो आपको इनकम है, सो एक्सपोर्ट्स शुड ईदर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इंपोर्ट्स, और अगर ऐसा हो जाता है तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। दीज आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिसाइड हाउ द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री इज। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन है ये, डिफरेंसेज बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप अगर पर्पस देखेंगे
माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, डील्स विथ द डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन इंडिविजुअल फर्म और मार्केट। भाई साहब ये मतलब इंडिविजुअल फर्म और मार्केट को लेकर चलता है, ठीक है, कि डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन द इंडिविजुअल फर्म और मार्केट, ठीक है, मतलब छोटे छोटे यूनिट्स में, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑन एग्रीगेट मेजर्स सच एज टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब छोटे छोटे यूनिट्स में हम डील करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े यूनिट्स में डील कर रहे हैं, ठीक है। डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट मेजर्स सच एज टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट कितना है, एग्रीगेट प्राइस लेवल कितना है, ठीक है। तो दोनों का पर्पस अलग है, एम क्या है भाई साहब, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस डिटरमिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या किस चीज से डील करता है, देखो सेंट्रल प्रॉब्लम इसका क्या है, किस कोर कॉन्सेप्ट से या किस एम से ये डील करता है, ठीक है, प्राइस डिटरमिनेशन, प्राइस को तय करना, किसी गुड्स के प्राइस को फिक्स करना, ठीक है, एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना, ठीक है, हर एक को चीजें मिलनी चाहिए, तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम है, ठीक है, प्राइस को तय करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स का भाई साहब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द डिटरमिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कितना लोगों का लेवल ऑफ इनकम है, कितना कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज, और एम्प्लॉयमेंट क्या है भाई साहब, व्हाट इज द टोटल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कैन बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। जैसे टूल्स, इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, इसके मेन टूल्स क्या है कि डिमांड कितना है और क्या सप्लाई है एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द होल इकोनॉमी, तो पूरे पे डिपेंड करेगा, पूरे इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा, आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल जैसे आप देखो, एग्जाम्पल्स आर इंडिविजुअल डिमांड, आप हर एक फैमिली का अलग अलग खाना पीना रहना सहना होता है, ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑल दीज विल बी इंडिविजुअल डिमांड। पर कैपिटा इनकम, एनीबडी व्हाट नोज अबाउट व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, पीसीआई किस क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होता है टोटल इनकम ऑफ अ नेशन और अ रीजन अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ये होता है आपका पर कैपिटा इनकम। मतलब जैसे समझ लो आप लोग यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः जने हैं, ठीक है, तो आपका भाई साहब समझ लो आप लोग टोटल इनकम कर रहे होंगे 60 लाख रुपए का, ठीक है, 60 लाख, इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूँ तो ऑन एन एवरेज एवरी वन इज अर्निंग हाउ मच, 10 लाख, है ना, एवरी वन इज अर्निंग 10 लाख। लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि सब 10 लाख ही अर्न कर रहे हो सकता है आप 20 लाख अर्न कर रहे हो सकता है आप 5 लाख अर्न कर रहे हो सकता है वो 30 लाख अर्न कर रही हो, अलग अलग है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली पर कैपिटा इनकम, व्हेन यू, इसको हम पीसीआई भी बोलेंगे, व्हेन यू डिवाइड द टोटल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन इट इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, ओके। एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ठीक है, आपका एग्रीगेट डिमांड, एवरेज डिमांड क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ये सब सब आपके देश के स्तर पे बातें हो रही हैं, एक रीजन के स्तर पे बातें हो रही हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बातें नहीं हो रही हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारी बातें जो है तो एग्रीगेट लेवल पे हो रही है, एवरेज लेवल पे हो रही है, ठीक है, ऑल आर ऑन एन एवरेज लेवल, और माइक्रो में सारी बातें इंडिविजुअल लेवल पे हो रही हैं, स्मॉल यूनिट्स पे हो रही हैं, ठीक है। हाउ टू चेक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री, तो एक कंट्री का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, मतलब वो कंट्री कैसे प्रॉस्पर कर रहा है, कि वो कंट्री भाई साहब बहुत गरीब चल रहा है, क्या 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 चेकिंग करें हम, ठीक है, व्हाट डू वी डू टू चेक, ठीक है। सो बेस्ट इंडिकेटर ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपका बेस्ट इंडिकेटर क्या है भाई साहब, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा होगा, भाई कोई भी कंपनी पागल तो नहीं है कि गुड्स बनाएगी या सर्विसेज देगी, भाई लोग खरीदने वाले भी तो चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी यूनिट डाला है, चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे इंडस्ट्री हो, वो आप तभी डालेंगे ना जब आपको दिख रहा है कि लोग उस प्रोडक्ट को लेंगे, है ना, यू कैन सी दैट, ठीक है। तो जितना आपके किसी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे होंगे, उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ज्यादा अच्छी चल रही होगी, ठीक है। इसको हम भाई साहब जीडीपी में मापते हैं, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, बेस्ट इंडिकेटर आपका टोटल आउटपुट है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो रेफर्स एज जीडीपी, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी बोलेंगे हम इसको, क्लियर है, ठीक है। ग्रॉस द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स क्या होते हैं, जो भाई साहब आपके कपड़ा, ठीक है, साबुन, बॉटल, कुछ भी जो भी आप फिजिकली देख सकते हैं, और व्हाट आर सर्विसेज,
इलेक्ट्रिसिटी एक सर्विस है, इंटरनेट एक सर्विस है, रोड्स एक सर्विसेज हैं, रेलवेज एक सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है, ये सारी चीजें आपके सर्विसेज में आ जाती हैं, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। वर्ल्ड टॉप जीडीपी लीडर्स, तो आपके जैसे अमेरिका, यूएसए एक टॉप जीडीपी लीडर है, ठीक है। देन वी हैव चाइना, देन वी हैव जापान, देन वी हैव जर्मनी, ठीक है, देन वी हैव इंडिया, ठीक है। आज की तारीख में इंडिया फिफ्थ में है, ठीक है। दीज आर बेसिकली द कंट्रीज विच आर लीडिंग इन जीडीपी, ठीक है। यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी एंड इंडिया इज इन द फिफ्थ नंबर, ठीक है। पहले इंडिया बहुत पीछे था, आज की तारीख में फिफ्थ पोजिशन पर आ गया है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। सिक्स्थ वी हैव ब्रिटेन, सेवेंथ वी हैव ब्राजील, एट्थ वी हैव इटली, नाइन्थ वी हैव रशिया, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। एंड हेयर इज इंडिया, ठीक है, इंडिया, यूएसए, ठीक है। तो जीडीपी देखिए इंडिया का कितना है, ट्रिलियन डॉलर, यूएस डॉलर्स, ठीक है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स का धंधा हो रहा है हमारे यहाँ पे। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 2.9 यूएस डॉलर्स, ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, और यहाँ पे 20 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ जीडीपी, ठीक है, इन यूएसए, अमेरिका। तो अमेरिका भाई साहब अभी टॉप पे है, एंड इंडिया इज नॉट लैगिंग फार बिहाइंड, इंडिया इज फिफ्थ एंड यूएसए इज फर्स्ट, ठीक है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, देखो, वैल्यू ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। ध्यान दीजिए इन चार चीजों पे, वैल्यू ऑफ, वैल्यू मतलब क्या, मनी वैल्यू, ठीक है, मनी वैल्यू। एक बच्चे से अगर उसके टॉय के बारे में पूछा जाए, वो उसके लिए सब कुछ है ना, वो टॉय है ना, लेकिन उसकी कीमत कितनी होगी, 10 रुपए 15 रुपए, तो जितना 10 रुपए 15 रुपए उसकी कीमत है उतनी, ठीक है, भले वो सारा दिन उसके साथ खेलता हो, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी में, या आप भाई साहब जब व्हेन यू कंसीडर इकोनॉमिक्स, यू ओनली कंसीडर द मनी वैल्यू, मनी वैल्यू कितना है उसका, ठीक है, 15 रुपए का है, 10 रुपए का है, उतना ही उसका वैल्यू है, ठीक है। तो मनी वैल्यू ऑफ, तो दूसरा कोई वैल्यू नहीं हो सकता है उसका, वो प्राण उससे वो ले लो भाई साहब तांडव करने लगेगा वो, ठीक है, वैसा नहीं, ठीक है। वी आर नॉट लुकिंग एट एनी अदर वैल्यू, वी आर जस्ट लुकिंग एट द मनी वैल्यू, मनी में कितना उसका वैल्यू है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स मतलब कैसा होता है, देखो, जैसे जैसे समझो गेहूं है, राइट, वीट, वीट से भाई साहब आप ब्रेड भी बना सकते हैं, वीट से भाई साहब आप बिस्किट भी बना सकते हैं, वीट से बनेगा फ्लार, फ्लार मतलब आटा, उससे बनेगा भाई साहब बिस्किट भी बना सकते हैं, गेहूं भी अपना क्या कहते हैं रोटी भी बना सकते हैं, और ब्रेड भी बना सकते हैं, तमाम चीज़ें बना सकते हैं। तो आपका जो फाइनल गुड आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ब्रेड, रोटी, जो भी है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस, जो भी प्रोडक्शन में लगे हुए, ठीक है, एक कंट्री में जो भी प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है, जो भी जहां पे भी ये प्रोड्यूस हो रहा हो, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब इंडिया है भाई साहब, तो पूरे इंडिया में ये डोमेस्टिक टेरिटरी होगी इंडिया की, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मनी वैल्यू या मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज मतलब ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, रोड, ठीक है, रेलवेज, ये आपका भाई साहब जो भी है, ये सारे सर्विसेज तो हैं, ठीक है। आप यहाँ से भाई साहब वीटी जाएंगे, ओला बुक कीजिए भाई साहब, 2000 का बिल आ जाएगा, ठीक है। अगर आप वही चीज़ ट्रेन से जा रहे होंगे, लोकल ट्रेन से, 25 रुपये पहुँच जाएंगे, ठीक है। सो इट्स अ सर्विस, राइट, विच गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग टू यू। इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए एक सर्विस है ना। सो दीज आर डिफरेंट सर्विसेज दैट यू, इंटरनेट एक सर्विस है, ठीक है। सो ऑल द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत जरूरी है इस चीज़ को समझें, फाइनल मतलब एकदम रिजल्टेंट गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, एक साल में, ठीक है, जो प्रोड्यूस होता है, इंक्लूड्स ओनली फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज एंड नॉट द इंटरमीडिएट गुड्स, बीच के गुड्स का नहीं। जैसे जैसे देखो, गेहूं, आटा, रोटी, ठीक है। तो अभी आप गेहूं का आपने मूल्यांकन किया, इतना गेहूं प्रोड्यूस हुआ, इसका मनी वैल्यू है। फिर आपने आटा, उसका भी मूल्यांकन किया, फिर आपने जो रोटी है उसका भी मूल्यांकन किया, ये गलत जा रहे हैं आप, क्योंकि अभी आप कैसे काउंटिंग कर, इसका अलग से प्राइस, इसका अलग से प्राइस, इसका अलग से प्राइस, लेकिन भाई साहब ये जो आपने रोटी बनाई वही फाइनल प्राइस कीजिए ना, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो इसीलिए हम फाइनल, जो कंजम्पशन के पहले जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं फाइनल, मतलब अभी आप उसको खाएंगे, तो एक रोटी का कितना पड़ा आपको,
ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे मूल्यांकन होंगी। गेहूं का अलग से लगाएंगे, आटे का अलग से लगाएंगे, फिर रोटी का अलग से लगाएंगे, फिर आपका ट्रिपल कैलकुलेशन हो जाएगा, ये चाहे फोर टाइम्स कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे डबल कैल्क इंक्लूड्स ओनली द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स है, ठीक है, उसको ही हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे आपका फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, आप भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, और आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस, राइट? यू आर सिटिंग इन द कार, यू आर नॉट ड्राइविंग, यू आर इन द पैसेंजर सीट, एंड व्हेन यू आर ड्राइविंग, ठीक है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स आपको कंसिडर करना है, ठीक है। इंक्लूड्स ओनली करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेस फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो जो भी गुड्स अभी आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, फ्लो कॉन्सेप्ट क्या, वी विल सी, ठीक है। तो जो भी आपके गुड्स अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, फाइनल वैल्यू। लोकेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स बोथ नेशनल एंड नॉन नेशनल, ठीक है, तो आपके इंडिया में इंडियंस हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में, फॉरेनर्स भी रहते हैं क्या, है ना भाई साहब, ठीक है। तो जो भी इनकम जनरेट कर रहे होंगे इंडियंस प्लस जो फॉरेनर्स हैं, यहां पे जो भी टोटल वैल्यू ऑफ इनकम जनरेट होगी गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज जीडीपी। तो जीडीपी का क्या क्या हो गया भाई साहब, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, क्लियर है, ओके। एक्सक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, कैपिटल गेन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इनकम जनरेटेड थ्रू इलीगल मींस, जो भी झोल हो रहा होगा, झोल का इनकम होगा, ये सब हम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। इलीगल मींस से कुछ भी हो रहा होगा, किसी ने इलीगल मींस से ट्रांसफर किया, जैसे आप जानते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, ठीके? तो टेररिस्ट को पैसा कैसे पहुंचता है, इलीगल तरीकों से पहुंचता है, ठीक है। तो इलीगल पेमेंट्स, कैपिटल गेन, कुछ भी इलीगली गेन किया, ठीक है, किसी की जमीन हड़प ली, कोई कुछ मतलब प्रेशर में आकर कोई ट्रांजैक्शन कर लिया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ड्रग्स डीलिंग हुई, बहुत सारी तमाम ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, ठीके? और इनका हम जीडीपी में कैलकुलेशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग्स का ट्रेड बहुत बड़ा ट्रेड है भाई साहब, है ना, तो ये जीडीपी में नहीं होगा। अल्कोहल आता है, अल्कोहल प्रॉपरली गवर्नमेंट में के अंदर ये जीडीपी कैलकुलेशन होता है, ठीक है। ड्रग्स जो हो रहा है वो इलीगल हो गया, ठीक है, कोई भी बहुत सारी चीज़ें, लोग जो ब्राइब्स ले रहे हैं वो भी इलीगली हो गया, इन सब चीज़ों का भाई साहब जीडीपी नहीं होता, इज नो जीडीपी फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। सो एक्सक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट, कैपिटल गेन, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो इलीगली हो रहे होंगे वो आपके जीडीपी में नहीं आते हैं, ठीक है। कैपिटल गेन हो गया, ठीक है, इलीगल इनकम, ठीक है, कोई इलीगल इनकम मतलब कोई गुंडागर्दी करके कोई भाई साहब इनकम ले रहा होगा, ठीक है, या कोई इलीगल चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आपका जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स, किसी ने आपका जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ये काम कर दो, ओके। सो ऑल दीज आर नॉट कैलकुलेटेड, जीडीपी इज ऑलवेज करंट, एट करंट प्राइस, ठीक है, आपके करंट प्राइस पे होता है। जैसे समझो कि अभी जैसे समझ लो एक ब्रेड मैं लेने गया, ठीक है, ब्रेड का पैकेट, वो समझ लीजिए 15 रुपए का मिला मुझे, लेट से, ठीक है। अभी अगले 6 महीनों में मुझे मालूम है कि ये 25 रुपए का होने वाला है, लेकिन जीडीपी का कैलकुलेशन इस 15 रुपए में ही होगा, एट द करेंट प्राइस, नॉट एट व्हाट इज सपोज टू बिकम। हम सबको मालूम है कि बढ़ने वाला है प्राइस, किसी कारणवश बढ़ने वाला है, सब 25 का 30 हो जाए, हमको मालूम नहीं, बट वी विल कैलकुलेट जीडीपी एट द करेंट प्राइस। तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट द करेंट प्राइस, नॉट समथिंग विच इज फ्यूचर प्रेडिक्टेड, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, ओके ओके ओके। अभी हम बताएंगे भाई साहब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, तो ये भी एक आपका फैक्टर है। हाउ इनकम इज जनरेटेड, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट्स इनकम, जितना आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी भाई साहब इनकम जनरेट होगा, विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज कोई इनकम जनरेट नहीं होगा, ठीक है, ओके। सो ये सारे देखिए अलग अलग लोग अलग अलग व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो फर्म रिक्वायर्स सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जैसे ह्यूमंस चाहिए, मशीन्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस फर्म या इंडस्ट्रियल जो रहेगा,
ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको ये सब सारी चीजें चाहिए, है ना। सो दीज आर नोन एज फर्म रिक्वायर्स सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मशीन की सर्विसेज चाहिए, ह्यूमन बींग्स की सर्विसेज चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, ये सारी चीजें आपके क्या हो जाएंगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, टू प्रोड्यूस दीज गुड्स वी रिक्वायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे गुड्स, भाई साहब रॉ मटेरियल तो पड़ा ही हुआ है, लेकिन रॉ मटेरियल्स का फिनिश्ड गुड्स में बनने के लिए आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, है ना। उसमें ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो प्रोडक्शन फेज, फिर इनकम फेज, फिर आएगा आपका एक्सपेंडिचर फेज। ठीक है, अगर आप देखोगे एक फेज होता है क्या, प्रोडक्शन फेज, एग्रीकल्चर हो गया या कुछ भी हो गया, पहले प्रोडक्शन होगा, फिर आएगा भाई साहब आपका इनकम फेज। ठीक है, फिर आएगा उसमें भाई साहब एक्सपेंडिचर, मतलब आपने देखो प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद उसको बेचा, बेचा तो किसी ने खरीदा ना, किसी का एक्सपेंडिचर हुआ, आपका इनकम हुआ तो किसी का एक्सपेंडिचर होगा, कोई तो खरीदेगा ना उसको। ठीक है, सो somebody इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग द गुड्स, somebody इज बेसिकली मेकिंग द इनकम एंड सेलिंग इट, एंड somebody इज बाइंग इट। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर फेज। तो ये आपका क्या होगा, एक सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा। इनमें से किसी एक को भी निकाल दोगे तो आपका भाई साहब फ्लो ऑफ इनकम नहीं हो पाएगा। अगर ये प्रोसेस रुक गया तो भाई साहब सब रुक गया, है ना। अगर तुमने गुड्स प्रोड्यूस किए लेकिन खरीदने वाला ही कोई नहीं है तो भी प्रोसेस रुक जाएगा, है ना। तुम अगला प्रोडक्शन कैसे करोगे, उस पैसे से ही तो करोगे, अगर किसी ने खरीदा ही नहीं होगा तो कहां से करोगे। ठीक है, अगर भाई साहब इनकम ही नहीं हो रही है तुम्हारी, ठीक है, कोई चीज तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, इनकम नहीं हो रही, मतलब कैसा, तुमने समझ लो कोई फार्मिंग किया और उसमें तुम्हारे 5 लाख रुपए खर्च हो गए, ठीक है, और तुमको बराबर फार्मिंग की चीजें बेचने के बाद 5 लाख रुपए ही आए, तुम करोगे फिर से वो, नहीं करोगे ना भाई साहब। चलो पैसे तो आ गए लेकिन जितना तुमने लगाया उतना ही वापस आया ना, देयर इज नो प्रॉफिट। ठीक है, तो उल्टा तुम्हारा मेहनत गया, तुम्हारा टाइम गया, तुम्हारा एनर्जी गई। ठीक है, सो देन यू विल नॉट रिवॉल्व दिस, राइट। तो इनकम फेज अगर नहीं होगा तो भी रुक जाएगा, है ना। सो दिस इज बेसिकली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो प्रोडक्शन फेज में क्या होगा, मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट जनरेट्स इनकम। ठीक है, यूटिलिटी क्रिएट करना है। जैसे भाई साहब लोहा जमीन के अंदर है लेकिन उसकी यूटिलिटी जीरो है, जैसे हम लोहे को निकाल कर उसका फर्नीचर बनाते हैं, बीम्स बनाते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाते हैं, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई भाई साहब। इट इज बेसिकली फुलफिलिंग व्हाट, ह्यूमन वांट्स बाय यूजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हम इसकी यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं, एंड इट जनरेट्स इनकम, इससे आपका इनकम जनरेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन फेज। इनकम फेज में देख लीजिए क्या हो जाएगा, बिजनेस फर्म्स अर्न इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो जितने भी बिजनेस फर्म्स होते हैं दे अर्न इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। भाई ऐसे ही थोड़ी ना बिजनेस फर्म खोलेंगे, हमको फायदा ही नहीं है तो हम क्यों करेंगे। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो सेल ऑफ गुड हुआ अभी यही चीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो आपने समझ लो 1 लाख की सेल की, उस 1 लाख में से 20,000 से आप फिर से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, 20,000 आप लोगों को सैलरी देंगे। ठीक है, 20,000 लग से ट्रांसपोर्ट वगैरह में खर्चा होगा, बाकी का जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वही पैसा फिर से घूमेगा, है ना। दिस इज बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो पैसा आपने अर्न किया वही फिर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में घूमेगा, फिर से ये जनरेट होता रहेगा। ठीक है, एंड देन वी हैव द एक्सपेंडिचर फेज, जो आपने फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं ये कोई कंज्यूम करेगा तो वो खर्चा करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर फेज। आर वी क्लियर? ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर फेज। वी हैव 3 फेजेस, हाउस होल्ड स्पेंड्स इट्स इनकम टू सेटिस्फाई इट्स वेरियस वॉन्ट्स। हर एक घर के भाई साहब कुछ खर्चे हैं और उस खर्चों को निपटाने के लिए उनको खर्चा करना पड़ता है। सो प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज, ये आपके 3 फेजेस हो गए। ठीक है, फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, सेक्टर्स, जैसे आपको मालूम है ओनर्स, सेक्टर्स आपके क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे फार्मर्स वगैरह हो गए, कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपके सेक्टर्स होंगे। हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड, मेक फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड, फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड हो रहा है। रिसीव टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म्स मेक ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड गिविंग सब्सिडीज टू बिजनेस फर्म्स। ठीक है, तो आपके सेक्टर्स हो गए ये। एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तमाम चीजें हैं। ठीक है, देखिए आपका जो ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन,
कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भाई साहब आपका कंज्यूमर हो गया, ठीक है, कंज्यूमर, ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे हायर फैक्टर, अभी देखो यहाँ पे प्रोडक्शन चालू है, ठीक है, तो हायर फैक्टर सर्विसेज हाउस फ्रॉम हाउस होल्ड, मतलब जैसे अगर आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है या इंडस्ट्री खोलनी है, आप लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, कहाँ से आएंगे ये लोग, जो घरों में रहते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड, मेक फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड, तो आप उन लोगों को सैलरी देंगे, वो सैलरी उनके लिए क्या हो गया, फैक्टर पेमेंट हो गया, ठीक है, ओके। रिसीव टैक्सेस, अभी गवर्नमेंट क्या होती है भाई साहब, गवर्नमेंट रिसीव टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से टैक्सेस आता है गवर्नमेंट को, एंड फर्म्स मेक ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड गिविंग सब्सिडीज टू बिजनेस फर्म्स, ठीक है। सब्सिडीज क्या होती है, सब्सिडीज मतलब कुछ छूट होती है, ठीक है। रिसीव टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंगेज इन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपके एक्सपोर्ट्स ही कैशियर होगा भाई साहब, ठीक है, जी तमाम चीजें हो जाती हैं, ठीक है, हाउस होल्ड हो गया, देन वी हैव बेसिकली बिजनेस फर्म्स हो गया, ये गवर्नमेंट हो गया, और ये फाइनेंशियल मार्केट हो गया, ठीक है। दीज आर बेसिकली द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट दे आर अंडरगोइंग। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाट डज इट रेफर टू, रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, अलग अलग सेक्टर्स में ये पैसा घूम रहा है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट है, ठीक है, लेट्स से ये हाउस होल्ड है, देन वी हैव द फाइनेंशियल मार्केट एंड देन वी हैव बिजनेस फर्म्स, तो ये गवर्नमेंट, ये पैसा घूम रहा है भाई साहब, ठीक है। इन सब में आप टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट उससे क्या बनाती है, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपको मुहैया कराती है, पानी का सप्लाई, ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट का हो गया। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड नहीं होगा तो भाई साहब कौन किसके लिए प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन इसके लिए ही हो रहा है ना, सारा प्रोडक्शन। फाइनेंशियल मार्केट, बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं जहां पे सारे गुड्स के जो वैल्यूएशन होते हैं वो तय होते हैं, एंड देन वी हैव बिजनेस फर्म्स विच आर प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो पैसा पैसा घूमता रहता है, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ गुड्स एंड फैक्टर मार्केट, ठीक है। तो सारे जितने भी आपके गुड्स, ठीक है, और फैक्टर मार्केट है, देखो आपका क्या हो गया भाई साहब, कंज्यूमर डिमांड पहले क्रिएट होगा, है ना, किसी चीज की डिमांड क्रिएट होगी, तो आपका भाई साहब प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको प्रोड्यूस करके करेगा सप्लाई, प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा, फिर फैक्टर डिमांड, फैक्टर डिमांड मतलब रॉ मटेरियल एक फैक्टर हो गया, जो लोग वहां पे एम्प्लॉयड हैं उनकी सैलरी एक फैक्टर हो गई, जो मशीन्स आपने लगाया है वो एक फैक्टर हो गया, तो इनका एक डिमांड है, ठीक है। फिर आपका भाई साहब फैक्टर सप्लाई, ये आपका फैक्टर सप्लाई है, ये फैक्टर सर्विसेज हैं, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज ये आपके गुड्स और ये आपके गुड्स, ऐसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहेगा, दिस विल बी द बेसिकली फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल रिव्यू करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।